लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म एकदम मजा आ जाएगा। थैंक यू जी, धन्यवाद। अब बैठिए ना। नहीं नहीं जी, कुछ भूल गए होंगी तू। हम खड़े ही ठीक है जी। प्यारे डर गए। कोई बात नहीं, खड़े खड़े पीजिए। कैसी लगी चाय? अच्छा, ये चाय है? हाँ चाय है भाई, मैंने अपने हाथों से बनाई। तो मत बनाइए जी। जी जी प्यारे का मतलब है कि हम शाम को टी नहीं पीते हैं, है ना प्यारे? तो हम ऐसे ही काम चला लेंगे। घटिया चाय है, जहर है। मैं क्या पूछ रहा था बेटा? जी तुम दोनों की लव मैरिज है क्या? कैसे बात कर रहे हैं जी? हम दोनों को देख के लगता है आपको हमारे मैरिज में लव का एंगल भी हो सकता है जी। इसीलिए तो पूछा प्यारे जी। नहीं नहीं, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। मिल नहीं रही है, उठो उठो उठो, कहाँ रख दी, मिल नहीं रही है, अरे हटो 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 हटो। इधर भाग्यवान, इधर देखो, इधर देखो, क्या ढूंढ रही हो मुझे तो बताओ। अरे वही तो याद नहीं आ रहा है कि ढूंढ क्या रही हूँ। पर क्या ढूंढ रही हूँ भाई, याद नहीं तो ढूंढना भी भूल जाइए जी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है प्यारे जी, वो सिर्फ मुझे पता होता है ये क्या ढूंढ रही है। कहीं अपना वो चश्मा तो नहीं ढूंढ रही हो? याद आ गया, चश्मा ही ढूंढ रही हूँ। तो मुझसे पूछ लिया करो ना, क्या ढूंढ रही हो? वो देखो तुम्हारे चश्मे वहाँ टीवी के ऊपर रखे हुए। हाँ प्यारे जी। हाँ जी। बेटा वो चश्मा ला के मुझे दे सकते हो? हाँ जी। पत्नी जी जाए, क्या है पत्नी जी की आज्ञा बगैर हम कोई भी काम नहीं करती जी। जाओ प्यारे। हटो जी। आइए। बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे चश्मे जी। हाँ बेटा। अरे टीवी तो बंद है पर ये डांस क्यों कर रहे हैं? अरे टीवी बंद है तो क्या हुआ भाग्यवान, टीवी का स्विच तो ऑन है ना, करंट लग गया उनको। हाँ कुछ ही दिन पहले तो टीवी बनवाए थे। नहीं नहीं बनवाए तो कुछ दिन पहले थे, लेकिन फिर से खराब हो गया होगा ना, बीमारी है तो बुलाइए। क्या कर रहे हैं आप, प्यारे को करंट लग गया है, इनको कुछ ठीक कीजिए ना। हाँ डंडे से मारना पड़ेगा उनको। मारिए डंडा, मारिए इनको। आप डंडा कहाँ है? कहाँ है उनसे क्या पूछ रहे हैं, वो तो भूल जाती है ना सब। आप लाइए ना डंडा जाके। हाँ मैं ला। हाँ जल्दी 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 थोड़ा जल्दी जल्दी डंडा। मारी 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 जी। है कि गए? निपटे नहीं है ना, ठीक है ना? चाहिए तुम्हारी मैया की। प्यारे ठीक है? प्यारे ठीक। माँ जी आप खुद को खो के भूल क्यों नहीं जाती जी? नहीं 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 कुछ नहीं, वो करंट लगा है तो पगला गए। हाँ माफ करना बेटा, ये टीवी जो है ना बहुत पुराना हो चुका है, हमेशा करंट मारता रहता है। अब हमारा क्या है, हमें तो आदत पड़ चुकी है करंट खाने की। लेकिन हमें ना चिंता बहू की होती है, मीनू बिटिया की। हाँ वो जब भी ये टीवी लगाती है तो करंट खा जाती है बेचारी। मतलब हमें भी तकलीफ होती है इस बात के लिए, लेकिन क्या करें, अब टीवी करंट मारती है तो करंट खाती रहती है। अब आपको पता है इस डर के वजह से उसने सीरियल देखना ही बंद कर दिया। कितने अच्छे अच्छे सीरियल मिस कर रही है वो। हाँ टाइम थोड़े है, वरना लाइन लगा देते हैं टीवीओ की। अब हमारे पास तो सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। लेकिन अगर मीनू के डैडी जी उन्हें 40 इंच का बड़ा वाला स्मार्ट टीवी देना चाहे, 56 इंच का, 56 इंच का भी होता है वो अगर देना चाहे बड़ा वाला, तो हम बिल्कुल उसमें दखल नहीं देंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बाप है बेटी के लिए प्यार में कुछ भी दे सकते हैं। ये लोग दहेज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल चीता, आपको इस फाइल पर रिपोर्ट बनानी है। करिश्मा सिंह की कोई खबर? कोई खबर नहीं मैडम सर। ठीक है आप जा सकते हैं। जय मैडम सर। जय। बिल्ले। हाँ क्या ढीले आदमी हो तुम? हाँ थोड़ा सा करंट लगा नहीं है तो तुमने सलाइन लगा ली। थोड़ा सा तो ठीक है, जाइए आप चश्मा लेकर आइए, जाइए। ए बात फिर मैडम सर। ओके जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। क्या अपडेट है?
अनुराधा की बातों में कितनी सच्चाई लग रही है आपको? मैडम सर, अनुराधा की बात में हमको बिल्कुल सच्चाई नजर नहीं आ रही है। वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी अपनी बेटी के सास ससुर के बारे में, कि वो ऐसे हैं, वैसे हैं, लोभी हैं, उनको दहेज चाहिए। हमको तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। वो तो बिल्कुल दहेज का मांग नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके पास जितना है ना, वो उसी में ही खुश है। तो हमको इतना सच्चाई नजर नहीं आ रहा है मैडम सर। अच्छा ठीक है, एक काम करिए, आप वहीं पर रहिए और ऑब्जर्व करिए, पता लगाइए कि मीनू के पिताजी धीरज की हालत ऐसी क्यों हो गई, ऐसा क्या हो गया उनके साथ कि उनके मुंह से सिर्फ दहेज एक ही शब्द निकल पा रहा है। जी मैडम साहब। करिश्मा सिंह, आप ठीक है ना? आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही हमें। नहीं, वो चलते चलते हमारा पैर टकरा गया बेड से। और बिल्लू कहाँ है? बिल्लू मजे में है मैडम सर, सही चल रहा है सब यहाँ पे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यही है। ठीक है करिश्मा सिंह, उम्मीद करते हैं कि अब आप भटकेंगी नहीं। आई होप ये थाना कॉम्पिटिशन जीतने का फितूर आपके दिमाग से उतर गया होगा। आप दोबारा हमसे झूठ नहीं कहेंगी और हमें धोखा नहीं देंगी, और ये यकीन हमें आप पर हुआ है आपके आंसुओं की वजह से, जिनमें हमें सच्चाई दिखाई दी है। हम जानते हैं कि आप हमें धोखा नहीं देंगी, रखते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर आपके भरोसे से ज्यादा बड़ा भरोसा हमारा उन लोगों के भरोसे पर है जो हमारे थाने को इंसाफ का मंदिर मानते हैं, जो ये मानते हैं कि अगर हमारा थाना है तो इंसाफ है, कानून है, इसलिए ये प्रतियोगिता हमारा थाना जीतेगा। और जहां तक बात रही इंसाफ की, तो इंसाफ होगा, लेकिन कोई तारीख नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई कोर्ट नहीं होगा। इंसाफ होगा हमारे तरीका से, कयामत करेगी सारा इंसाफ, वो भी ऑन द स्पॉट। संतोष शर्मा जी मैडम सर। हाँ मैं। जय मैडम सर, गुड नाइट। जा रही हैं क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो जब तक आप सो रहे हैं तब तक हम थोड़ा सा काम और कर लें। संतोष शर्मा, कल सुबह तक आसपास के जितने भी थाने हैं उन सब के रजिस्टर में ऑन एन एवरेज कितनी एफआईआर कंप्लेंट्स आती हैं, उसका हमें एक ग्राफ चाहिए, क्लियर? वाह क्या बात है मैडम सर, मतलब आखिरकार प्रतियोगिता जीतने के बारे में आपने सोचना शुरू कर ही दिया, अच्छी बात। ऐसा कुछ नहीं है पुष्पा जी, हम बस ये जानना चाहते हैं कि बाकी थानों के कंपैरिजन में हम कहाँ हैं। मैडम सर, आप जो जानना चाहती है ना, उसका रिकॉर्ड मैं पहले से रख रही हूँ। ये देखिए, ये सारे थानों की लिस्ट है और ये इसके सामने किस थाने में कितनी एफआईआर डेली रजिस्टर हुई है उसकी लिस्ट है। सुपर स्मार्ट संतु जी। अब आपको नींद नहीं आ रही है? चीते प्लीज थोड़ा सा काम कर ले। हाँ तो मैडम सर, इसके हिसाब से हमारा थाना यहाँ एकदम लास्ट में, अगर ऐसे ही हमारे थाने में कंप्लेंट्स आती रही तब तो हमारा हारना तय है मैडम सर। हमें डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मिली है कि अगर इस कंपटीशन में हम हार जाते हैं तो डिपार्टमेंट शायद हमारे थाने को बंद कर दे। क्या? और अगर हारने की कैटेगरी में हम सबसे आखिरी नंबर पर आते हैं तब तो बिल्कुल ही बंद कर देगा। मैडम सर, ये तो बहुत ज्यादा बुरा बात है, पर एक ना इसे पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है मैडम सर, अगर ये वाला थाना बंद हो गया ना तो हमारा और संतु जी का ना एक ही थाना में ट्रांसफर करवा दीजिएगा प्लीज। ठीक, बोल दिया। मैडम सर, अगर ये थाना बंद हो जाएगा तो मतलब दूसरे थाने में ट्रांसफर होगा, दूसरे थाने में ट्रांसफर होगा मतलब दूसरा मेस मतलब दूसरा क्वार्टर, मैं कैसे एडजस्ट करूंगी मैडम सर? नहीं 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 मैडम सर, हम तो कहीं और ट्रांसफर नहीं लेंगे, हम सीधा रिटायरमेंट ले लेंगे। एक मिनट, हमारा थाना बंद नहीं हुआ है, हम ये कॉम्पिटिशन अभी तक हारे नहीं है, और आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे इस सिचुएशन में हम पहली बार फंसे हैं। अरे इसके पहले भी तो कितनी बार हमारा थाना ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, तब क्या हमने हार मान ली? एग्जैक्टली, तो इस बार भी हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे भी और इसे हराएंगे भी, लेकिन ऐसा करने में हम अपने सिद्धांतों पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। सब कुछ कानून की जद में रहकर ही होगा। देखो देखो मैडम देखो, हमें डिनर पे बुलाया और खुद आना भूल गए, ऐसे लोग हैं मैडम, मैं कहता हूँ कि भाग सकते हैं, नहीं तो ये हमें सुई चुपा के और करंट दे दे के फिर हमारी भी हालत उन धीरज जैसी होगी, हम भी ऐसे ही घूमेंगे।
अब आ गए? हाँ जी बिल्कुल आ गए। आइए फिर, हमें लगा कि आप भूल गए हमें बुला के। आप हमारी बहू मीनू के घर वाले, हम कैसे भूलेंगे आपको। बैठी बैठी बैठी। नहीं नहीं मैं खड़े खड़े ही ठीक हूँ जी। बहुत अच्छी बात है, ये सब छोड़िए और ये देखिए हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। क्या लाए हैं? आप ही भूल गई। हमें याद है, पर आप लोग देखिए। देखते हैं। ये क्या है जी? खोया पनीर है। तो पनीर कहाँ है जी? खोया है ना, ढूंढिए मिलेगा। ढूंढिए। और देखते हैं आपने क्या बनाया है। ये क्या है? दाल है। लगता है आंटी जी आप दाल में दाल डालना भूल गई। नहीं बेटा, हम दाल डालना भूले नहीं हैं। हमारे घर पे ऐसी ही दाल बनती है। बिना दाल के दाल बनती है आपके यहाँ? ऐसी बात नहीं है। बात क्या है, आप ना ये चम्मच से थोड़ा सा ये ऐसा घुमाओगे तो दाल मिल जाएगी, पक्का मिलेगी। मुझे भी पिछले हफ्ते मिली थी। शुरू कीजिए जी। हमें पता है एक बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे हाल में उसे नहीं देख सकता। हाँ, बेटी के लिए उसका प्यार है। अब मेरे ससुर जी जो थे वो इस घर के लिए राशन भर दिया करते थे। हाँ, कोई कमी महसूस नहीं होने दी, कभी नहीं ना। मजाल है जो हमने कुछ कह दिया भाई। पनीर के पराठे उनके राज में खाया करते थे, वो भी देसी घी के तले हुए। जी अब क्या है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास। हम मना करते थे उन्हें, लेकिन वो ठहरे बाप, बेटी का बाप। हमें डांट देते थे, कहते थे भाई मैं अपनी बेटी के लिए ये सब कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैं मना नहीं कर पाता था। बात सही भी है, अभी अगर आज मीनू के डैडी जी अगर मीनू के लिए ये सब करें तो हम थोड़ी मना करेंगे। हाँ। हम उस बात पे दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हाँ, हम कुछ नहीं कहेंगे भाई, हम क्यों कहे, है ना। भाई साहब गलत कह रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल जी सही है जी। माजी, आप ये खाने के टेबल पे कई चीज भूल गई जी। नहीं बेटा, ये यही रहती है। क्यों जी? हाँ। मौसम काटने के लिए? नहीं नहीं, मौसम काटने के लिए नहीं है। क्या है, हफ्ते भर अगर रोटी को ऐसे ही रखा जाए तो रोटी है ना, वो भी कभी कभी अकड़ जाती है। टाइम थोड़ा है, वरना लाइन लगा देते हैं आपके लिए ताजी ताजी रोटियों की। अरे ये सब छोड़िए, ये देखिए आप लोगों ने मिक्स वेजिटेबल खाया कि नहीं खाया? माँ जी वही खा रहे, बहुत ही बढ़िया। लाजी लाइए। इसमें पनीर भी है। इतनी कम बचत में आप इतना पनीर कैसे डाल दिया जी? तो क्या है ना, हमारे पड़ोस में एक रेस्टोरेंट है, उसका मालिक मेरा दोस्त है, पुराना दोस्त। अच्छा। हाँ, उसे कह दिया मैंने कि जितनी भी 4-5 दिन की सब्जी जो है वो बची हुई रहेगी वो हमारे घर पे भेज दिया कर, बदले में जो भी बनता है ले लिया कर। ऐसे में 400 की जो प्लेट वाली मिक्स वेज है ना, वो हमारे घर में 40 में पड़ता है। खाइए खाइए, आनंद लीजिए उसका। आप लोगों को ना करिश्मा सिंह से सीखना चाहिए। उनसे? हाँ ठीक है, माना कि वो बीच में कुछ दिनों के लिए मिसगाइड हो गई थी, लेकिन अब देखिए कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। सीखिए उनसे कुछ। एनीवेज पुष्पा जी, जरा करिश्मा सिंह को फोन लगाइए। जी मैडम सर। गुलाब। फोन नहीं उठा रही है। अच्छा फिर से ट्राई करिए। अरे फोन ही नहीं उठा रही है वो। अच्छा छोड़िए, बिल्ली को ट्राई करिए। मैडम
मैडम यहाँ से निकलते ये लोग मार डालेंगे हमें, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत बहुत ही लालची है, खून चूस रहे हैं ये लड़की के बाप का, मेरे सारे उतार दी का सलाइन सलाइन उतार दी। अब जाइए जाइए, मैं तो बकैती बंद करो और ये जो बार बार फोन बज रहे हैं इन दोनों को स्विच ऑफ करो, हमारे दिमाग में ड्रिल मशीन च... ओ, अजी, अजी, अजी। फोन नहीं उठा रहा है। अजीब बात है, दोनों फोन नहीं उठा रहे हैं। बताइए मैडम सर, ये जो लालची लोग हैं ना, वो लालच में जो भी कर जाए वो कम है। अगर अनुराधा की बात सच निकली और उसकी बेटी के ससुराल वाले जहाँ करिश्मा मैडम और बिल्लू गए हैं वो सच में दहेज के लोभी निकले तो, और भगवान ना करे उन्हें इन दोनों की सच्चाई पता चल गई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है उन्होंने इन दोनों के साथ भी वही किया हो जो उन्होंने धीरज के साथ किया। पुष्पा जी आप ठीक कह रही हैं, हम कोई चांस नहीं ले सकते, हमें वहां खुद जाकर देखना होगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। चीता चतुर्वेदी गाड़ी निकालो। जी मैडम सर। इनकी मैया की सासू मैया। करिश्मा जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है मैडम से। अच्छा, बिल्लू को ट्राई करिए। जी वही कर रही हूँ। बिल्लू का भी फोन स्विच ऑफ है। अरे अजीब बात है, कहीं करिश्मा मैडम को भी सदमा तो नहीं लग गया धीरज जी की तरह, कहीं वो भी ऐसी तो नहीं हो गई। बाप रे बाप, सत्तू जी सत्तू जी, आप किसी भी फेस में कितनी ज्यादा क्यूट लगती हैं। मतलब जरा सामने ध्यान दो प्लीज, और प्लीज तुम चुप रहो। फनी लगी ना करिश्मा मैडम। देखिए करिश्मा सिंह और बिल्लू बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, हम बस अपनी तसल्ली के लिए वहां जा रहे हैं। ओके सो रिलैक्स। कौन है आप और ऐसे हमारे घर में घुसे कैसे चली जा रही हैं? कौन है आप, किसको ढूंढ रही हैं आप? अरे तुम्हारा बुरा वक्त, मतलब तुम्हारी कर्मों की सजा। समझे नहीं हम? तुम समझ नहीं रही हो, तुम समझ नहीं रही हो, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा तुम्हें समझाने के लिए। रुको, हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। इधर हमारी आंखों के सामने खड़ी रहो, इधर आओ। खबरदार, अगर तुमने पुलिस को फोन करने के लिए अपना हाथ उठाया तो जिंदगी भर अपने पैर से खाना खाती हुई तुम अच्छी नहीं लगोगी। पति कहाँ है तुम्हारे? वो दुकान गए हैं। अंदर आओ। ये कौन है? ये एक सास है। ये एक ऐसी सास है जो अपनी बहू पे बहुत जुल्म करती है, उससे दहेज मांगती है, अलग अलग तरीकों से दहेज मांगती है। हेलो, आज के बाद ये अपनी बहू से दहेज तो क्या, रिमोट भी नहीं मांगेगी टीवी का, अत्याचार नहीं करेगी दहेज का उस पे, नहीं करेगी ना? क्या कर रहा है? टिंक ओवर फ्लोर, इतना कूदने की क्या जरूरत है? आप सच में मार रही, इसलिए मेरी एक्टिंग रियल लग रही है। करेगी जुल्म, करेगी जुल्म।
अपनी बहू पे? मांगेगी दहेज? नहीं मांगूंगी दहेज आज के बाद। दहेज मेरे लिए परहेज है, और जो भी दहेज लेंगे उनको भी मना करूंगी दहेज के लिए। दहेज आज के बाद मेरे लिए मर गया, मर गया। नहीं चाहिए मुझे दहेज, नहीं चाहिए। ये डेमो मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें इस बात का अंदाजा हो सके कि मेरी बात ना मानने का अंजाम क्या होगा। अब सुनो तुम मेरी बात, आज के बाद अगर तुमने अपनी बहू से दहेज मांगा या इशारा भी किया उसको दहेज का, तो मैं वापस आऊंगी, और अगर मैं वापस आऊंगी ना तो तुमको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझ गई? मैडम जी, आज के बाद हम अपनी बहू से या उसके घर वालों से दहेज मांगना तो दूर की बात है, दहेज के लिए चर्चा भी नहीं करेंगे, कसम से। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.